हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, आज डोमिनर 250 और अपनी RR 310 के बारे में दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको व्लॉग में। तो स्किप मत करना बिल्कुल भी, अगर आ गए हो व्लॉग में तो बिना टाइम वेस्ट करे दोनों बाइकों के बारे में थोड़ी डिटेल देता हूँ और थोड़ा आपको इन्जॉय करवाता हूँ और आपको एंटरटेन भी करता हूँ। तो चलो आओ, पहले इसका वॉक अराउंड करते हैं, फिर बात करते हैं। तो फ्रंट में आप देख सकते हो, जैसे इसमें फुली एलईडी लाइट आती है और आप देख सकते हो इसकी विजिबिलिटी, क्या तगड़ी विजिबिलिटी आती है यार, देख रहे हो। मतलब आफ्टर मार्केट कुछ भी इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं है। बाकी भाई ने हैजार्ड फ्लैशर इंस्टॉल करा रखा है यार, जो बहुत सारी बाइकों में जब लगने के बाद एक नंबर लुक आता है। सुपर बाइक को छोड़ के हम कोई सी भी सेगमेंट की बाइक ले सकते हैं सिंगल सिलेंडर, जिसमें ये वाला जो फ्लैशर वाला जो ब्लिंकर होता है ना, ये काफ़ी तगड़ा लुक इन्हेंस कर देता है बाइक का। ओके, अब करते हैं इस वाली की लाइट ऑन अपनी बीस्ट की। तो ये हो गई अपनी वाली बीस्ट की लाइट ऑन। तो आप देख सकते हो इसमें दोनों प्रोजेक्टर मिल जाते हैं आपको और विजिबिलिटी यार दोनों की तगड़ी है। एक बार ना मैं एक नाइट का थोड़ा सा एक मतलब सीन ले लूँगा, कैप्चर कर लूँगा और बाकी मैं इसमें डाल दूंगा। बाकी इसमें भी एलईडी मिलती है, इसमें भी एलईडी मिलती है, इसके इंडिकेटर्स नॉर्मल, इसके भी एलईडी हैं, इसके भी एलईडी हैं, पर इसमें नॉर्मल है, इसमें ब्लिंकर नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, बाकी टायर सेक्शन की बात करते हैं, इसमें 120 सेक्शन का भाई ने डलवा रखा है, इसमें 110 सेक्शन का आता है। दोनों में मिशलिन के रोड 5 पायलट टायर्स आते हैं। उसका पीछे का 150 सेक्शन का है, आगे का 120 है, इसका आगे का 110 है, पीछे का 150 सेक्शन है। और मिशलिन के रोड 5 जो पायलट टायर्स हैं उनका आपको पता ही है रिस्पॉन्स कितना तगड़ा है। मतलब कितना ही लीन कर लो, कितना ही लीन कर लो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन होने नहीं वाला आप लोगों का। बाकी इस रोडों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बने ये टायर्स, पर बरसात हो कैसी भी रोड हो, बस ऑफ रोडिंग छोड़ के आपको ये 100% कॉन्फिडेंस देंगे। ओके, बाकी ये नेकेड है, वो फेयरिंग है, ये इतनी आई कैची नहीं है पर पावर में बहुत तगड़ी है, वो थोड़ी अटेंशन कैची है। ओके, बाकी आपने देख लिया टायर सेक्शन मैंने आपको बता दिया, इसका इंजन मैंने आपको बता रखा है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है इसमें। 249.5 cc का इंजन मिलता है जो 30.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। उसमें मिलता है 312 cc का इंजन लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर जो हमारी पावर प्रोड्यूस करता है 35.5 PS की। मोड्स इसमें मिल जाते हैं 4, अर्बन, ट्रैक, रेन, स्पोर्ट्स। इसमें नॉर्मल मिलता है, इसमें कोई मोड नहीं है, एकदम रॉ मशीन है, रॉ मशीन जिसे कहते हैं ना वो। इसमें आफ्टर मार्केट एक्रोपोविक का फुल सिस्टम लगा हुआ है, उसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है जो कंपनी फिटेड है। सीट कंफर्ट की बात करो, देखो यार ये टूरिंग पर्पज़ के लिए तो सीट तो कम्फर्ट इसमें बढ़िया होगा ही ऑब्वियसली। तो इसका सीट कम्फर्ट आप देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू RR 310, उसका सीट कम्फर्ट बिल्कुल बेकार है। इसे मैं दूंगा 10 out of 10, उसे दूंगा 10 out of 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं। डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, बाइब्री की ब्रेकिंग सेटअप मिलती है उसमें भी और इसमें भी, पर उसकी जो पीछे वाली ब्रेकिंग है वो इससे 10-20% ज़्यादा बेटर है अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं। और RC से कंपैरिजन करूं तो RC 390 से उसकी 5-6% कम है। ओके, बाकी इसमें बाइब्री की सेटअप मिल जाता है, उसमें भी बाइब्री का मिलता है। तो यार एक बंदा मुझे कमेंट करके बोलता है भाई डोमिनर में ही फुल LED सेटअप मिलता है, बाइब्री की ब्रेकिंग सेटअप मिलता है। तो हाँ मिलता है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा था, पर मैंने सिर्फ उस समय अपाचे RR के बारे में बात करी थी, ना कि डोमिनर के बारे में। पीछे की जो मैं अगर सेक्शन की बात करूँ तो पीछे की जो मतलब लुक है ना यार, उसका भी उसका डुकाटी इंस्पायर जो हेडलाइट है और इसकी जो लाइट है शार्प वाली, ये लाइट यार एकदम एक तरफा लाइट है। इस लाइट से जो पीछे का LED मतलब जो एक शार्प लुक आता है ना, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो इसकी हैंडल बार लाइट्स हैं यार, ये लाइट्स का ना कोई जवाब नहीं है। रात में जब थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा जब, अभी यहाँ पे सनसेट का टाइम है तो अभी हम व्लॉग बनाने शूट कर रहे हैं। बाकी अगर थोड़ा और टाइम हो जाएगा, मतलब जैसे थोड़ा अंधेरा होने लग जाएगा, तब ये जो लाइट होती है ना यार, ये बहुत तगड़ी लगती हैं। और जो ये वाली लाइटें हैं, फीचर्स की बात करो तो फीचर्स में यार ये आपको पता ही है, इसमें सारे मोड्स वगैरह हैं, इसे हम अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें जो नॉर्मल फीचर्स है, टाइम मिल जाता है, हमारा फ्यूल हो गया, सर्विस हो गया, जो हमारे इंडिकेशंस हो गए, ABS लाइट हो गई, जो नॉर्मल है वो सब मिल जाता है। एवरेज की बात करो तो एवरेज हमें 30 से 35 का दे देती है, 27 का ये सिटी में देती है और 30-35 का हमें ये हाईवे पर दे देती है। ये हमें 30-35 का हाईवे पर दे देती है और वैसे हमें अभी 27-28 का दे रही है एक्रोपोविक फुल सिस्टम इंस्टॉल कराने के बाद। ओके, ये चीज़ हो गई, बता दिया मैंने आपको। बाकी पावर आप लोगों को पता ही है, और कुछ बचा नहीं मेरे को बताने के लिए। उसका जो टैंक है 13 लीटर का मिलता है, इसमें मिलता है 11 लीटर का टैंक। ओके, बाकी देखो अगर मैं इसका डोमिनर का 250 से और ड्यूक 250 को मैं अगर यहाँ पे खड़ा कर देता इसको हटा के, तो कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, बस उसमें 1-2% ज़्यादा फीचर्स हैं, बाकी लुक है, बाकी पावर यही है। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ड्यूक 250 से ये ज़्यादा
वैल्यू फॉर मनी है और ये ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू ड्यूक 250, क्योंकि अगर ड्यूक 250 को हम ले लें ना टॉप स्पीड में तो ये उसे हवा मारते ही गायब कर देगी पीछे, और ये कहाँ गायब हो जाएगी ये हमें नहीं सोच सकते, बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार ये मशीन। तो जो बात थी मैंने आप लोगों को सारी बता दी ए टू जेड, आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोनों का एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं एक बार ताकि आपको थोड़ा मज़ा आ जाए, वो मैं खुद सुनाऊंगा आज, ठीक है। हाँ न्यूट्रल नहीं है ना, न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रल हो गई, क्या बात है। भाई बहुत ज़्यादा लाउड है यार ये, बहुत ज़्यादा लाउड है यार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाउड है। अब आते हैं अपनी आरआर पे, इसे भी न्यूट्रल कर लेते हैं। तो न्यूट्रल कर ली हमने, इसमें तो वन टच है अपर में। इसे ना आपको पहले मैं दो बार सुनाऊंगा, एक मैं सुनाऊंगा अर्बन मोड में, अर्बन मोड में देखते हैं। अब लगाऊंगा ट्रैक मोड, ये मैंने बदला, अब आवाज़ पे फ़र्क आएगा नोटिस करना आप। ये लगा दिया ट्रैक, तो ये बात थी दोनों की आवाज़ मैंने आप लोगों को सुना दी। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली वालों का, बाय। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आता रहूँगा आप लोगों।